भ्रष्टाचार और नाकामी का बोझ झेल रही केंद्र की यूपीए सरकार के खिलाफ भाजपा 5 मई को पूरे देश में राष्ट्रीय धरना करके प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से इस्तीफे की मांग करेगी। गौरतलब है कि केंद्र सरकार पर 2G स्पेक्ट्रम घोटाला और कोल ब्लॉक आवंटन घोटाला और एयरलाइंस घोटालों जैसे आरोप लगे हैं, जिसके विरोध में भाजपा पूरे देश में धरना देगी और भोपाल में भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता रविशंकर प्रसाद मोर्चा संभालेंगे। 2G स्पेक्ट्रम और कोयला आवंटन घोटाला हुआ है, उस विषय को लेकर पूरे देश के में प्रदेशों की राजधानी पे धरना है। वहाँ पर हम कार्यकर्ता लोग ज्ञापन के माध्यम से राष्ट्रपति से आग्रह करेंगे कि प्रधानमंत्री से तुरंत इस्तीफा लिया जाए। मुझे जैसा ज्ञात हुआ है कि हमारे राष्ट्रीय नेता रविशंकर प्रसाद जी भोपाल पधार रहे हैं और भोपाल के धरने में माननीय रविशंकर प्रसाद जी हम सबको मार्गदर्शन देंगे, संबोधित करेंगे। घोटालों से घिरी केंद्र की यूपीए सरकार के खिलाफ भाजपा द्वारा सड़क से लेकर संसद तक विरोध किया जाएगा। कैमरा पर्सन परवेज खान के साथ हृदय धारवार की रिपोर्ट, एमएसटीवी न्यूज़ भोपाल।